आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आगरा के बाजारों में सम्मिश्रण फार्मूला खत्म हो गया है। अब सोमवार से शुक्रवार तक सप्ताह में 5 दिन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक सभी बाजार खुलेंगे। सोमवार की शाम साप्ताहिक बंदी की वजह से अब हर सप्ताह शनिवार रविवार को शहर में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, तो वहीं व्यापारियों ने भी कहीं न कहीं सरकार के फैसले को सही ठहराया है। 55 घंटे के लंबे लॉकडाउन के बाद एक बार फिर बाजारों को खोला गया है, लेकिन इस बार खास बात यह है कि बाजार में पहले जो सिस्टम था ऑड इवन का, उसको हटाते हुए और अब पूरा बाजार खोला जा रहा है। ऐसे में काफ़ी परेशानियां दुकानदारों के साथ साथ ग्राहकों के सामने भी आने वाली है। अगर खासकर बात करें पार्किंग को लेकर, इस समय हमारे साथ मौजूद है राजा मंडी सागंज बाजार के जो अध्यक्ष हैं आपके सुमित सतेजा जी, उनसे जानते हैं किस तरीके का माहौल रहेगा बाज़ार में। वैसे हमारा जो मार्केट है, जून में सालक थे तो उसमें बाजार बहुत अच्छा था, लेकिन अब जुलाई में कोई शादियों का त्यौहार नहीं है, कोई सीज़न नहीं है। जो सीज़न है वो है अगस्त में रक्षाबंधन का और बकरा ईद का, तो हो सकता है कि उसमें भी ग्राहक ख़रीदारी नहीं करे, क्योंकि सैटरडे संडे का जो लॉकडाउन कर दिया है उस दिन क्या नाम है जो जॉब वाले बंदे हैं, जॉब वर्कर हैं, वो उस दिन निकलते थे तो थोड़ा सा रश रहता था। हाँ, कोरोना को देखते हुए ये भी बढ़िया है कि अगर जो मार्केट में रश कम है तो हम लोगों के लिए सेफ्टी है। नहीं, बात करें अगर पार्किंग व्यवस्था को लेकर, तो पार्किंग व्यवस्था क्या कुछ रहने वाली है? पार्किंग व्यवस्था की अपने शागंज में बहुत ज़्यादा परेशानी है। बीच में जो लॉकडाउन था, इवन आउट से जैसे मार्केट खुल रही थी, तो उसमें हम लोगों का ये बेनिफिट था कि जैसे आज इस तरफ वाली शॉप खुल रही है, इस तरफ वाली लाइन खुल रही है, तो हमारी जितनी भी कस्टमर की पार्किंग रहती थी और हम व्यापारियों की जो पार्किंग रहती थी वो सामने वाले हाथ पे रहती थी। अब ये दिक्कत हमें बहुत आएगी, और सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो हमारी ये है कि हमारी दुकानों के आगे ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा वो लगा देते हैं, जिससे हमारे कस्टमर को आने में भी परेशानी होती है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बाजार के कोषाध्यक्ष, आइए उनसे जानते हैं सचिदेव जी से क्या कुछ उनकी तैयारियाँ हैं और बाज़ार कमेटी के द्वारा जो व्यापारियों के साथ जो बातचीत की गई है क्या कुछ की गई है। मेरे को तो ये दिख रहा है कि अगर ये 5 दिन लगातार खुलती है और 2 दिन बंद रहती है तो बहुत बढ़िया, ये गवर्नमेंट ने जो सजेशन निकाला है बहुत अच्छा निकाला है। रही ट्रैफिक की बात, हर कोई अपना दुकानदार अपनी आगे गाड़ियों की सही तरह से सेफ्टी रखेगा और दुकान पे पूरी तरह से सैनिटाइज कराएगा और मास्क पहने रहेगा और ग्राहकों को भी अप्रूव कराता रहेगा हर तरह से। और उसके बाद जो कर्मचारी हैं शनिवार और इतवार के जिनकी छुट्टियाँ होती हैं, उनको राजी गैर राजी अपना टाइम निकाल के बाज़ार में आना पड़ेगा अगर उनको कोई ख़रीदारी करनी है। इससे क्या है कि कोरोना एक तरह से समझो कि भाई नहीं आएगा, मेरी उम्मीद है। हमारे साथ इस समय मौजूद है बाज़ार के उपाध्यक्ष, आइए जान। सैनिटाइज़र है हर दुकानों पे और प्रशासन द्वारा हमें ये कहा गया है कि हर घंटे सैनिटाइज कीजिए, मास्क में ध्यान दीजिए, या कस्टमर आता है उसको मास्क पहनाइए, खुद के हाथ भी सैनिटाइज कीजिए, उनके भी करवाइए। अगर किसी ग्राहक के पास मास्क नहीं है तो उसे मुहैया करवाइए, उसको सैनिटाइज कराइए। और हमारी मार्केट में हर घंटे सायरन बजता है, सायरन हवा ना हुआ। सर अध्यक्ष, मुझे एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से मयूरी है, ऑटो रिक्शा चालक है जो सवारियों को भरने के लिए यहाँ पे लंबी कतार लगाते हैं, ऐसे में जाम के हालात बनते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या तैयारियाँ हैं? उसके कंट्रोल करने में फिर हम दुकानदारों को ही नीचे उतरना पड़ रहा है अपने ग्राहक छोड़ के, क्योंकि प्रशासन भी है पर वो कब तक ध्यान दे। तो ये थे बाज़ार के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं और कोषाध्यक्ष हैं, जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरह के बाज़ार में हालात रहने वाले हैं। क्यों चूँकि अब बाज़ार जो है सैटरडे संडे 2 दिन बंद रहेगा, ऐसे में व्यापार पे काफ़ी असर पड़ने वाला है। तो वहीं बात करें, क्योंकि सागंज बाज़ार है व्यस्तम बाज़ारों में से एक है, यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या आए दिन बनी रहती है, जाम यहाँ लगा रहता है, ऐसे में जाम को कंट्रोल किस तरह किया जाएगा ये एक बड़ा सवाल है और इसके लिए प्रशासन को कड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो वहीं जो बाज़ार के जो अध्यक्ष हैं या जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी आने वाले ग्राहकों से अपील की है कि वह अपना जो चेहरा है उसको ढककर रखें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो वो दुकानदार आपको मास्क भी देने का काम करेगा, आपका हाथ सैनिटाइज कराने का भी काम करेगा, साथ ही सोशल डिस्टेंस बनाने की भी अपील की गई है ग्राहकों से। तो बाज़ार में जब अगर ज़रूरी हो तो ही बाज़ार में निकलें, अपनी ज़रूरत का सामान लें और सीधे अपने घर पर जाएँ, यही कहना है यहाँ के जो व्यापारी हैं सागंज बाज़ार के उनका। इस समय हमारे साथ और भी लोग जुड़े थे जिन्होंने बताया कि
कहीं कोई परेशानी नहीं आने वाली है, बाज़ार दोनों तरफ खुलेगा, लेकिन सैटरडे संडे जो दिन बाज़ार बंद रहने वाला है उससे उसने थोड़ी व्यापारियों की चिंता जरूर बढ़ा दिया है। कैमरा पर्सन गणेंद्र के साथ अनिल कुमार सिंह, सी न्यूज़ आगरा।